हमीरपुर के तहत एक व्यक्ति पर अवैध तौर से ड्रोन का इस्तेमाल कर नेरचौक मंडी जिला से हमीरपुर के लिए दवाइयां सप्लाई करने पर मामला दर्ज किया गया है। बिना परमिट के कांगड़ा निवासी व्यक्ति अवैध रूप से पिछले 4-5 माह से संचालन कर रहा था। इस कार्य के लिए व्यक्ति द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति के मकान का लेंटर किराए पर ले रखा था। गहलियां गांव में एक निजी स्कूल के पास एक ड्रोन गिरा होने की सूचना के आधार पर SHO हमीरपुर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने सूचित किया कि गिरे हुए ड्रोन को अभिषेक नाम का व्यक्ति अपने साथ गांव घनाल स्थित अपने निवास स्थान पर लेकर चला गया। दिनांक 18 मार्च को सूचना मिली थी गाँव वालों की तरफ से कि डुग्गा में जो गाली गाँव है SDA पब्लिक स्कूल के पास एक ड्रोन वहाँ उतरा है, जिस पर पुलिस मौके पर गई थी। यूजुअली ये ऐसा बताया जाता है कि पहले इसका जो लैंडिंग साइट था वो घनाल में था, पर उस दिन किन हालात में ये वहाँ उतरा, इस संबंध में पुलिस मौके पर गई थी। धारा 287 IPC के तहत मामला दर्ज करके हमने आगामी जाँच शुरू की है। हर पहलू पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ सर, किस तरीके का, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेरचौक से हमीरपुर आता था, क्या इक्विपमेंट्स रहते थे और क्या ये जो सर ड्रोन है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं? ड्रोन रजिस्टर्ड है, स्मॉल कैटेगरी का है और ये नेरचौक से उस दिन घनाल के लिए आ रहा था, वो दवाइयों की कंसाइनमेंट लेके आ रहा था। और यूजुअली इसका जो लैंडिंग साइट है वो घनाल है, उस दिन किन हालात में ये वहाँ पर उतरा वो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।